नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीएस सोलंकी और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर बीएसएस। हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम वो क्लास सिक्स यानी कि छठी वाले बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चूँकि आप खुद जानते हो कि 6 अप्रैल को हमारा एग्जाम है और आज हो चुकी है 16 मार्च। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो हमारे पास 20 दिन बचे हैं, 20 दिन, और इन 20 दिनों में हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और कई सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा छूट चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर बीएसएस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पिछले 4 दिन हो गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर कोचिंग की वीडियोज अभी बंद है। हाल फिलहाल कारण ये है कि पिछले 3-4 दिन हो गए हैं मेरे को वायरल बुखार है और कई सारे ऐसे पर्सनल काम भी थे, तो बिल्कुल मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई क्या बोल रहा हूँ, मेरे को खुद को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार का थोड़ा सा ये वायरल बुखार है। और मैंने जब अक्टूबर 2018 में जवाहर नवोदय विद्यालय की कोचिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर शुरू की थी, तब मैंने बच्चों से कहा था कि मैं 6 अप्रैल से पहले पहले आपका कॉन्सेप्ट पूरा कर दूंगा, लेकिन 2 फरवरी को जो 8वीं वाले बच्चे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का जो था उनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनका कॉन्सेप्ट पूरा करने के बाद फिर मैंने थोड़ा वक्त लिया और अब चूँकि 20 दिन बचे हैं तो फिर मेरे को ये वायरल बुखार हो गया। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मेरा ये थोड़ी हेल्थ एकदम हो जाए तो वेल डन, एंड देन मैं आपकी कोचिंग जो है वो फिर से शुरू कर दूंगा। और पीछे जो 10 दिन 15 दिन जो भी हमारे पास बचेंगे उनमें मैं आपके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अब चूंकि आप खुद जानते हो कि 6 अप्रैल को एग्ज़ाम है और अब क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और आप नवोदय विद्यालय के पैटर्न के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। पैटर्न क्या है, पहले 100 प्रश्न आते थे 100 मार्क्स के, लेकिन अब 80 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन आएंगे मानसिक योग्यता के और 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, एंड पीछे जो भी है एक तो आपकी हिंदी वगैरह जो भी होती है इस प्रकार से होता है, तो आप खुद जानते होंगे। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देखिए सबसे मेन जो चीज़ होती है जो कि 50% होते हैं हमारे 50%, वो होती है हमारी मानसिक योग्यता, फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस, मिरर वाले क्वेश्चंस। तो इनके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर वो भी जरूर जरूर देखिए क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, फोल्डिंग वाले वगैरह ये सब, ठीक है। और मैथ के जितना कॉन्सेप्ट आपके था मैं सब के सब वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, हर चैप्टर के मैंने एक एक वीडियो अपलोड किया है, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब वो करने के बाद आपको क्या करना है कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर की बुक होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो हिंदी और ये जो है दो बुक, ये बुक आपने अगर ऑर्डर की थी ऑनलाइन या फिर कहीं ऑफलाइन स्टोर से ले ली है तो बहुत अच्छा है, अगर ना ली हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इनकी PDF फाइल का लिंक मैं वीडियो के नीचे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो हमारी वेबसाइट है आप उसको जरूर फॉलो कर दो, तो वहाँ पर आपको जैसे ही ये लिंक वेबसाइट पर अपलोड होते हैं तो आपको सूचना मिल जाएगी, ओके। और अब जो है कि ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर आपसे ना हो पा रहे हो, आप मान लो कि आप PDF फाइल अगर आप ले पाने में ये सोचते हो कि भाई PDF फाइल लेंगे पढ़ेंगे तो अभी इतना वक्त नहीं है, तो आपके लिए मेरे हिसाब से एक चीज़ बेस्ट रहेगी कि आपके लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट की है। उन ऑनलाइन टेस्ट में हमने यही लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो है उनको अपलोड किया है, तो आप वो टेस्ट दीजिए। 100 मार्क्स के होंगे शायद, 100 मार्क्स कुछ ऐसे टेस्ट हैं, आप कोशिश कीजिए, एक बार दीजिए, दो बार दीजिए, जब तक आपके 100 out of 100 क्वेश्चंस सॉल्व ना हो पा रहे हो तब तक आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये खुद आप खुद जानते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे, है ना। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, ऑनलाइन टेस्ट है, बहुत चीज़ें हैं और कई सारे फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं, मिरर वाले क्वेश्चंस हैं, तो जैसे ही मेरी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी हो जाती है तो मैं फिर से आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊँगा। और जो अब हम जो ऑनलाइन टेस्ट हैं, क्योंकि 2 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और वो हमारी वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूँगा। अब जो 2 टेस्ट हैं
वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और अब जो टेस्ट आपके और अब अपलोड होने वाले हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप उन टेस्ट को भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। हर टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और सिलेक्शन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मत सोचिए कि भाई इतने लोगों ने एग्जाम दिया क्या दिया, कुछ मत सोचिए, मोटिवेट होते रहिए। और हाल फिलहाल क्योंकि आप खुद जानते हो कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी हिंदी तो मेरे हिसाब से परफेक्ट होगी, और अगर आप किसी और मीडियम से हो तो जिस मीडियम से हो वो मीडियम तो आपका परफेक्ट होगा, वो लैंग्वेज या फिर वो सब्जेक्ट तो आपकी परफेक्ट होगी, उसमें आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मान लो आप अगर हिंदी से हो तो हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन या जो भी आएंगे वो तो कन्फर्मली करेक्ट होंगे। मैथ के अगर आपने हमारे वीडियोज पूरे वॉच किए हैं तो वो तो आपके परफेक्ट हो जाएंगे। मानसिक योग्यता की अगर बात करें तो 45 क्वेश्चन तो इतनी ईजी आती है कि बिना पढ़े ही हम सॉल्व कर दें, लेकिन 5 क्वेश्चन जो मैं आपको पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि मानसिक योग्यता वाले, जो कि उसमें है कि फोल्डिंग वाले, तो फोल्डिंग वाले क्वेश्चन की जो वीडियोज है वो आप जाकर जरूर वॉच कीजिए। और अब जैसे कि होली आपके लिए लगभग एक दिन बाद या दो दिन बाद होली है, तो होली के लिए भी हमारे YouTube चैनल द्वारा आपके लिए एक विशिंग स्क्रिप्ट आपके लिए है, तो उस स्क्रिप्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो आप सभी को मेरी ओर से ऑल अंडर BSS YouTube चैनल की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और वो स्क्रिप्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हैप्पी होली। ओके दोस्तों, और जैसे कि हम पढ़ाई की और बात कर देते हैं कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, तो जिस प्रकार से आप पहले पढ़ते थे, मान लो आप पढ़ते थे कि वन डे 2 आवर्स 4 आवर्स ओनली, तो अब उस चीज़ को छोड़ दीजिए क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और कॉन्सेप्ट भले ही आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिन बच्चों के मान लो कॉन्सेप्ट एकदम पूरा हो चुका है, मैथ पूरी पढ़ ली है, मेंटल जो है ये भी आपकी पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि ऑनलाइन जो हमारे आ रहे हैं ये इन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन छाँट छाँट के कीजिए, सॉल्व कीजिए, यानी कि अपने मेंटलिटी को आप ऐसा कर दो कि सारे क्वेश्चन तो आपको याद हो जाएंगे, यानी कि परीक्षा में जब आप क्वेश्चन पढ़ने जाओगे तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये प्रश्न 2017 में इस प्रश्न में आया था। ये कब होगा? जब आपकी मेहनत होगी, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, हम सोचते हैं कि चलो परीक्षा है छोटी सी है हम दे देंगे आ जाएगा हमारा नंबर, तो ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब चूंकि ये पीछे के कुछ ऐसे क्षण हैं, कुछ इस प्रकार का वक्त है जिस वक्त को अगर आपने फालतू में बर्बाद कर दिया ना, तो आपने पिछले 8 महीनों से 9 महीनों से जो आपने मेहनत की है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए वो बेकार जा सकती है, क्योंकि ये 15 दिन या 20 दिन ही खास होते हैं, इनमें जो पढ़ाई की है वही आपके काम आने वाली है। ठीक है, और जितना कॉन्सेप्ट आपके हैं हर कॉन्सेप्ट के करीब 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि मान लीजिए एक प्रश्न आ गया 5 men do a work in 5 days 6 women, इस प्रकार का एक प्रश्न आता है जो कि आपके यूनिटरी मेथड से आता है, तो अगर आपने एक क्वेश्चन अगर सॉल्व किया तो फिर आपका काम नहीं बने, क्योंकि आप उस मेथड को भूल जाओगे। मैथ की जो होती है, यानी कि मैं अगर मैथ की बात करूं तो मैथ की जो मेथड होती है वो मेथड कब याद होती है? जब प्रैक्टिस होती है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, मैथ आपसे कभी ये नहीं कहती है कि मुझे पढ़ते जाओ, नहीं, मैथ प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस करो काम हो जाएगा, मेथड आपको याद हो जाएगी, फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिक आपके मुंह पर याद हो जाएंगे, लेकिन कब? जब प्रैक्टिस होगी। ओके, और मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट, अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट जो है पहले तो वो पूरा करना पड़ेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट बच चुका है तो जल्द से जल्द जो आप पहले पढ़ते थे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो छोड़ दो, अब आपको पढ़ना है करीब करीब 6 घंटा कंटिन्यूसली, अगर ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 आवर पढ़ लिया, बीच में 5 मिनट 15 मिनट का गैप दिया, फिर पढ़ लिया ऐसे, और मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। मैं आपको पहले भी शायद वो जो थे बच्चे उनको मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जितना पढ़ना चाहिए वो मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए,
मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठो, नहा धोकर फ्रेश होकर एकदम बैठो और 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लो। फिर स्कूल जाना है तो जाओ, स्कूल से आओ, फिर आपको अगर रेस्ट करनी है तो रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप थोड़े से वापस ऊपर उठे, फिर आपने हाथ मुंह धोए, फिर आप पढ़ने बैठ गए तो शाम को भी पढ़ो, और रात को ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक पढ़ लो, सुबह मॉर्निंग फिर पढ़ लो। 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को 2 बजे तक पढ़ो, या नहीं, ये नहीं होता है। पढ़ने का भी एक नियम होता है ना, तो उस नियम से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये थी कुछ बातें, और क्योंकि आज मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे बिल्कुल हेल्थ बिल्कुल इस प्रकार की हो रखी है, लेकिन चलो मैं करता हूँ ऊपर वाले से दुआ कि जल्द से जल्द मेरी हेल्थ ठीक हो जाए और मैं आपके लिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा कर दूँ। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर इतने बच्चों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है कि नहीं पॉल ऑनर BSS में हमें अच्छी कोचिंग मिलेगी, हमारा कॉन्सेप्ट कम्प्लीट होगा, लेकिन ये हेल्थ का भी कई कारण होते हैं, कई पर्सनल काम होते हैं, लेकिन मैं पर्सनल काम को छोड़ के भी आपके लिए कोचिंग कर सकता हूँ, लेकिन हेल्थ मेरे लिए बहुत बड़ी फैक्ट है। क्योंकि ये जुकाम उकाम ये जो है, ये मेरे को पता नहीं क्यों कि बहुत फास्ट होती है, मेरे पास जो लोग रहते हैं उनको शायद नहीं होती है, लेकिन पता नहीं कि मेरी बॉडी कुछ इस प्रकार है कि मेरे को जुकाम या फिर ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत फास्ट होती है। हालांकि हो सकता है कि इस प्रकार से एकदम मौसम में थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो इस कारण भी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूं कि मेरी हेल्थ जल्द से जल्द ठीक हो और मैं आपके सामने फिर से आऊं और आपके लिए कोचिंग की वीडियोस स्टार्ट करूं। हमारे 2 और YouTube चैनल हैं, उनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, BSS व्लॉग्स वगैरह जो है 2 चैनल, आप उनको भी सब्सक्राइब करके पास में आया बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल उस पर एक भी वीडियो नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द जैसे ही उनके अच्छे सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उन पर भी अच्छे से अच्छी न्यूज़ वाले वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन को प्रेस। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वंस अगेन हैप्पी होली, होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे हमारी किसी ऐसी ही नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।